हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडेज टॉपिक एफईए लेसन 148 एंड टॉपिक नेम इज शॉर्ट मैसेज। सो बुक 3 वी आर स्टार्टेड। सो वी हैव टू गो पार्टी विथ योर पार्टनर, रीड द फॉलोइंग एंड डिस्कस व्हाट दे मीन एंड वेयर यू वुड फाइंड दिस मैसेज। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू बी रीड इट and talk with your partner, okay? So like discuss with your partner what does it means and where we will find this message, okay? So you have to be discuss with your friends. आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है और कहाँ इस मैसेज को पाते हैं आपको बताना है, ठीक है? देखिए, पहला है back soon. So what is mean of back soon means we can say in Hindi जल्द आना, ठीक है? जल्द आना, back soon. So friends, when we will use like when the our friends is leaving with you, so we are saying that back soon. Like जब हम किसी फ्रेंड को छोड़ते हैं या जब फैमिली मेम्बर में रहते हैं तो हम जब विदा होते हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर को कहते हैं back soon son, तो ऐसे बोलते हैं ना back soon. So तब back soon को हम लोग यूज करते हैं और वैसे भी चैट करते हुए भी हम लोग बोलते हैं, अगर अगर जैसे लीव होता है तो back soon बोलते हैं, कहीं जा रहा है तो back soon बोलते हैं. Get well soon मतलब हो जाए जल्द जल्दी ठीक हो जाओ, ठीक है? जल्दी ठीक हो जाओ. सो वी आर से दैट इन हिंदी जल्दी ठीक हो जाओ. और हम व्हाट्सएप पे मैसेज भी इस करते हैं गेट वेल सून, मतलब किसी से बात करते हैं या फ्रेंड लोगों से, वो बोलता है कि हम बीमार हैं, ऐसा कुछ होता है तो बोलते हैं गेट वेल सून लास्ट में. तो अगला क्या है, फ्रैगली, ठीक है? फ्रैगाइल दिस वे अप ओके. सो फ्रैगले मीन्स होता है दोस्तों टूट जाना, ठीक है? जैसे कुछ ही चीज़ को टूट जाना ही मतलब, जैसे कि कहीं आप प्लेस जाते हैं या टीवी वीवी प्लेस है, फ्रिज उसकी प्लेस, जहाँ मतलब जो नॉर्मल चीज़ रहती है जो टूटने की संभावना रहता है, तो वहाँ पर ऐसे लिखा रहता है कि फ्रैगाइल दिस वे अप. तो मतलब कि यह है कि जो चीज़ जल्द ही टूट जाता है ऐसे ही चीज़ों पर हम लोग बोलते हैं, ठीक है? और लिखा रहता है इसी तरीके से, आउट नाउ डिनर इन फ्रिज. ओके, सो लाइक व्हेन वी आर इन लाइक एनी वी आर व्हेन वी गो फॉर होम एंड लाइक सम पीपल सम लाइक योर फैमिली मेम्बर विल से दैट इन योर व्हाट्सएप इन एनी मैसेज दे विल मैसेज यू आउट नाउ डिनर इन फ्रिज, मतलब कि जो है मैं इस समय बाहर हूँ लेकिन डिनर आपका जो है फ्रिज में है, ठीक है? ऐसे मैसेज होता है, ठीक है दोस्तों? टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर लीविंग, या हम लोग देखते हैं मतलब बोलते हैं जो है लाइट, जब मतलब लाइट को बंद करना रहता है तो जब आप घर छोड़ते हैं तो भी आप लाइट टर्न ऑफ कर दिए, सब चीज़ें हम लोग बोलते ही आपको पता है कहाँ यूज करते हैं, ठीक है? विश यू हैप्पीनेस एंड लॉन्ग लाइफ इन बर्थडे में हम लोग यूज करते हैं, जब किसी लोग का बर्थडे रहता है लाइक तब हम उनको विश करते हैं व्हाट्सएप या मतलब कहीं भी मैसेज कर सकते हैं. वेल डन, यू हार्ड वर्क हैज पेड अप, ये होता है, ये मैसेज आता है प्रोफेशनल अगर आप कोई काम कर रहे हैं लाइक जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो ये जो हुआ था वेल डन योर हार्ड वर्क हैज पेड अप, तो यूट्यूब ने मैसेज किया था. तो इसका मतलब ये होता है जब किसी चीज़ को आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और मतलब वो जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो होता है वेल डन योर हार्ड वर्क हैज पेड अप, ऐसे मैसेज करके आता है. आप मतलब किसी को बोल भी सकते हैं अगर वो हार्ड वर्क किया है तो उसे भी आप मैसेज कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है दोस्तों? और सो कंग्रेचुलेशन, यू डिजर्व दिस एंड मैनी मोर. वी आर सेइंग जब जब कोई मतलब कि दोस्त होता है कोई चीज़ को जीतता है, मैच जीतता है, तब हम लोग बोलते हैं, या कोई चीज़ को अचीव कर लेता है जैसे कोई वैकेंसी अचीव कर लेता है तब भी हम लोग बोलते हैं यू डिजर्व दिस एंड वन एंड मैनी मोर, ठीक है? इसके लिए आप डिजर्व करते थे और आप और भी डिजर्व करते थे, ठीक है? ऐसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है? अगला क्या है, कंग्रेचुलेसन, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेसन, विश यू मैनी हैप्पी ईयर्स टुगेदर. तो ये जब चीज़ें हम लोग मैसेज करते हैं जब किसी का रहता है कि वेडिंग एनिवर्सरी रहता है तब हम लोग ये सब चीज़ें मैसेज करते हैं, ठीक है? अगला क्या है, सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस. सो फ्रेंड्स, वी आर यूजिंग लाइक व्हेन वी आर इन फ्रेंड सर्कल एंड समवन सेड दैट अबाउट एनी लॉस, दैट टाइम वी सेड दैट लाइक
सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस, ऐसे हम लोग बोलते हैं जब हम लोग फ्रेंड लोग रहते हैं तो। जस्ट आप लोग अगर कोई मतलब विदा मतलब होता है जैसे कि कुछ चीज़ कर्ज ले जा रहा है एग्जाम के लिए, तो हम मतलब मैसेज में टाइप करते हैं बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक ऐसे बोलते हैं। या कोई मतलब छोड़ जा रहा है तो उसे भी बोल सकते हैं, या कोई अच्छा काम करने जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। हम इस कोई विमन होते हैं, विमन तब हम तब यूज करते हैं जब उनके मतलब कि देहांत हो जाता है, तब हम लोग बोलते हैं मिस मे हर सोल रेस्ट इन पीस, मतलब कि ठीक है यही होता है, तब हम लोग उनको मिस करते हैं कि आपके मतलब कि आत्मा को शांति हो। ठीक है ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है इस तरीके से फ्रेंड्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। सो वी हैव टू गो पार्ट बी। पार्ट बी इज सो फ्रेंड, पार्ट बी इज राइट द फॉलोइंग शॉर्ट मैसेज। ठीक है यू हैव टू बी राइट शॉर्ट मैसेज लाइक देर इज सम सिचुएशन, यू हैव टू बी राइट द मैसेज। सो देर आर थ्री सिचुएशन, सो वी हैव टू रीड इट। फर्स्ट वन, योर अंकल हैज गिवेन योर लवली अ लवली प्रेजेंट फॉर योर बर्थडे। सो वाल वट विल यू राइट थैंक यू नोट, सो वट विल यू मैसेज फॉर, लाइक आपको जो है अंकल ने आपको मतलब कि एक लवली गिफ्ट दिया है आपके बर्थडे पे, तो आप क्या आप मतलब मैसेज करें, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच अंकल फॉर गिविंग मी लवली गिफ्ट। बोल सकते हैं ऐसे, आपको शॉर्ट मैसेज ही करना है। ठीक है अगला क्या है, योर फ्रेंड हैज ओन द फुटबॉल मैच, राइट द कंग्रेचुलेटरी नोट। ठीक है दोस्तों, सो आई हैव सम प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, सो डोंट थिंक अबाउट सर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वाइल रीडिंग, सो आई हैव सम प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। ओके सो लीव इट, डोंट थिंक टू मच। ओके फ्रेंड्स, सो आई एम ऑल्सो वर्किंग देयर, आई इन फ्यूचर आई विल इनहेंस माई प्रोनाउंसिएशन, आई एम वर्किंग देयर, आई ओनली वॉन्ट टू हेल्प यू, सो दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो। सो इफ देर इज एनी मिस्टेक, देर इज एनी, सो प्लीज फॉरगिव मी। ओके सो आई एम नॉट ए परफेक्ट पर्सन। सो फ्रेंड लाइक योर फ्रेंड हैज ओन द मैच, सो यू विल बी राइट लाइक दैट लाइक थैंक यू सो मच फ्रेंड, यू डिजर्व दिस। ओ सॉरी, थैंक यू मच नहीं, कंग्रेचुलेशन फ्रेंड, यू डिजर्व दिस। ओके ऐसे आप वहाँ पर कर सकते हैं, शॉर्ट मैसेज आपको लिखना है, यू हैव बीन रूड मीन, यू हैव बीन रूड मीन टू योर मदर, राइट योर एप्लॉइज नोट। ओके एप्लॉइज नोट, एप्लॉइज नोट, ठीक है एप्लॉइज नोट। ऐसे आप क्या करेंगे, जो जब भी आप मतलब कि अपने मदर से रूड बिहेवियर करते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो उन्हें कैसे आप मैसेज करेंगे, तो आप कह सकते हैं सॉरी सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी, ऐसे आप मैसेज कर, शॉर्ट मैसेज अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो टूडे यू विल बी राइट वन, यू विल बी मेड वन, यू विल बी मेक वन जीमेल अकाउंट। सो लाइक एफ ई ए, यू हैव टू बी लाइक अपना नाम लिखना पड़ेगा आपको वहाँ पर एफ ई ए का, उसके बाद एफ ई ए करके आपको जीमेल आई डी बनाना पड़ेगा, वहाँ पर बना लीजिएगा, आपको कहा जाएगा अपने मोबाइल में, आपको लैपटॉप में आप बनाना सीखेंगे। ठीक है आप बनाना जानते ही होंगे, ठीक है आप सीख लेंगे। और सर्किल द करेक्ट ईमेल आई डी, तो इसमें से जो है ये वाला जो है ये हमको, ये आपका सही है, यही आपको अब सर्किल करना है। ठीक है और सर्किल द प्रोफेशनल अप्रिशिएट अप्रोसिएट ईमेल एड्रेस, तो इसमें हमको जो है ये जो है ये अच्छा लग रहा है, और डेयर बिल जीमेल डॉट कॉम ये भी अच्छा है। ठीक है ऐसे आप वहाँ पर आप कर सकते हैं प्रोफेशनल में, तो ये जो दो तीनों हैं ये थोड़ा सा जो है प्रोफेशनल लग रहे हैं, तो ये आपको वहाँ पर सर्किल कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, इफ वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच एवरीवन।